ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की तमाम हाइलाइट्स के बारे में आज बात करेंगे। दूसरे दिन के खेल में इंडिया और बांग्लादेशी बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। खास तौर पर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर हसन महमूद ने तारीख रकम की और वो पहले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर बन गए जिन्होंने भारत में 5 विकेटें हासिल की। पहले दिन के खत्म होने पर इंडिया ने 6 विकेटों के नुकसान पर 339 रन के साथ एंड किया था, जहां रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद थे। दूसरे दिन के पहले ही सेशन में बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स ने किया हमला। दिन के तीसरे ओवर में तस्कीन ने रविंद्र जडेजा को 86 रन पर आउट किया और इंडिया का स्कोर 343 रन पर 7 विकेटों पर हो चुका था। जडेजा के आउट होने के बाद अश्विन का साथ देने आए आकाशदीप, जिन्होंने आते ही जारहाना खेल का मुजाहरा किया और इब्तदाई 20 गेंदों पर 4 चौके लगाकर अश्विन और आकाश के दरमियान 24 रन की पार्टनरशिप हुई। आकाश 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इंडिया का स्कोर 367 रन था। इसके बाद अश्विन भी 113 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें इनके 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इंडिया आखिरी विकेट पर 376 रन पर मौजूद था, जहाँ जसप्रीत बुमराह 7 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की जानिब से हसन महमूद ने शानदार बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की, जबकि तस्कीन अहमद ने 3 विकेटें ली और नाहिद राणा, मेहंदी हसन, मिराज ने 1-1 विकेट ली। दूसरे दिन के पहले सेशन के बाद बांग्लादेश की बैटिंग शुरू हुई, लेकिन इनकी शुरुआत बहुत ख़राब रही। पहले ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने शादमान इस्लाम को 0 पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद जाकर हसन और शांतो के दरमियान 20 रन की छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन आकाशदीप ने 9 ओवर्स में लगातार 2 विकेटें हासिल की। पहले जाकर हसन को 3 रन पर बोल्ड किया और फिर मोमिन उल हक को गोल्डन डक पवेलियन भेज दिया। पहले सेशन के एंड पर बांग्लादेश का स्कोर 26 रन था और 3 विकेटें गिर चुकी थी। दूसरे सेशन में बांग्लादेश की कारकर्दगी मायूस कन रही। नजीबुल हसन शांतो 20 रन बनाकर आउट हुए और बांग्लादेश का स्कोर 36 पर 4 विकेटों पर हो चुका था। फिर मुशफिकुर रहमान 8 रन बनाकर आउट हुए और बांग्लादेश 40 रन पर 5 विकेटें गवा बैठा था। इसके बाद शाकिबुल हसन और लेटन दास ने टीम को कुछ सहारा दिया और दोनों ने 50 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन जडेजा ने लेटन दास को 22 रन पर आउट किया और बांग्लादेश का स्कोर 51 पर 6 विकेट पर हो गया। आखिरी सेशन में बांग्लादेश के टेल एंडर्स ने कुछ मजाहमत की और मजीद 37 रन का इजाफा किया। बांग्लादेश आखिरकार आखिरी स्कोर 149 पर रहा और इंडिया को पहली इनिंग्स में 227 रन की बढ़तरी हासिल हुई। इंडिया का पूरा कंट्रोल इस मैच पर है। अब ये देखना होगा कि नेक्स्ट आने वाले दिन में मैच कितना इंटरेस्ट बनता है।